यूपीएस आपका बहुत इजी है, बहुत इजी है। अच्छा बहुत इजी है जी, पीछे देख रहे थे थोड़ा टफ आ रहा था, आपको कैसा, आपके अकॉर्डिंग काफी इजी है? बहुत इजी। कैसे क्वेश्चंस थे, किससे रिलेटेड, कुछ टॉपिक वाइज? पेडागोजी उसमें यूज की गई है। ओके, पेडागोजी ज्यादा आई हुई है। हां ओके, पेडागोजी से क्या क्वेश्चंस थे, कुछ थोड़ा बहुत अगर याद आ रहा हो कि इस तरीके से पूछा जा रहा है, किस कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चों को, कैसे पढ़ाना चाहिए? बाल केंद्रित के ऊपर ज्यादातर फोकस था उनका, कहने का मतलब ये था। और ज्यादातर जो क्वेश्चन आए थे पेडागोजी के वो 20 के करीब थे। 20 के करीब। ओके, अच्छा कुछ उससे क्वेश्चन आया था जानवर से रिलेटेड या बर्ड से रिलेटेड? नहीं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन था राजस्थान का, जो कि मतलब घर के बारे में पूछा था कि वहाँ के घर कैसे होते हैं, झाड़ी वगैरह जो होती है घर के ऊपर रखी जाती है, और जो घर होते हैं वो मिट्टी के होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था जैसे वहाँ उस देश में पानी की मात्रा कम है, वहाँ पे पानी की कमी है। सऊदी अरब के बारे में पूछा था कि मतलब वहाँ का तेल का उत्पाद काफी ज्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे पानी और जो है काफी मतलब। मैपिंग से कोई क्वेश्चन था? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं। मैपिंग वगैरह से कोई भी मतलब सवाल नहीं, आज कोई ऐसा नहीं था। बहुत जिन प्याजे रिपीट हो रहा है वगैरह, तो उसकी वो भी रिपीट हो रहा है। कितने जिन प्याजे से क्वेश्चन, कितने? अगर पैटर्न क्वेश्चन तो होंगे, दो तीन क्वेश्चन होंगे, दो क्वेश्चन जिन चार क्वेश्चन था। किसी को वो एक क्वेश्चन को याद है कि क्या था पेडागोजी में, क्या क्वेश्चन था? कोई पेडागोजिक नहीं है, जिन प्याजे का था, सेंसरी मोटर से। ओके, हाँ, जो पहला स्टेज है वहाँ से क्वेश्चन था जिन प्याजे से, उसके बाद एकोमेंडेशन और एसिमुलेशन, वहाँ से भी क्वेश्चन था जिन प्याजे से ही था, तो वहाँ से चार क्वेश्चन था उसमें सीडीपी में। और मैथ्स का भी, मैथ्स का तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन था, एकदम बेसिक था, इजी था। मैथ्स में एक क्वेश्चन वगैरह से आया था, गलत था क्वेश्चन, त्रिभुज से पूछा था, बोर्ड मार्क्स आए थे, दो क्वेश्चन आए थे बोर्ड मार्क्स के, गलत था। एक जैसे उसमें 62 साल था, 11 महीना था उस, नहीं नहीं सर, माइनस के महीना वाला था, सही था क्वेश्चन, सही था क्या एक्चुअल में था क्या? 43 साल, 43 साल 11 महीना था, ऑप्शन ही नहीं है। नहीं नहीं सही था, तो निकालिए ना कितना आता है, ये एक ऑप्शन ही नहीं था, सही था। अरे एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था, एक करके एक जना बताइए। बिलो एवरेज था, बहुत अच्छा हुआ है, बिलो एवरेज। क्वेश्चन में आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में पंगा क्या पड़ रहा था? 62 साल था, 11 महीना था, 62 वर्ष। मैम एक क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, उसमें ये क्वेश्चन था कि 62 वर्ष और जो है 12 महीने, एक ये था, और दूसरा था उसके साथ में ऑप्शन 19 साल और 23 महीने, ये उसके साथ में था। तो उसके जो है हमें उसमें से घटाना था कि हमारे पास कितने बार बच जाए, तो उसका आंसर मतलब निकालना, माइनस करना था, प्लस माइनस का ही है खेल ज्यादातर, वैसे बोर्ड मार्क्स के एक दो क्वेश्चन थे, ज्यादा वैसे कोई नहीं। कैलकुलेटिव कोई सा टॉपिक लगा है, थोड़ा बहुत की कैलकुलेटिव थोड़ा सा है, नॉर्मल रहता है, और वो ना रहे तो फिर क्या फायदा। ओके, अच्छा ईवीएस में कोई क्वेश्चन आप लोगों को थोड़े बहुत याद है, किसी को टॉपिक वाइज अगर याद आ रहा हो किसी को तो बता सकते हैं आप लोग। विश्व जल दिवस पूछा था, अच्छा विश्व जल दिवस, बहुत इम्पोर्टेंट था कि मतलब आपको 22 मार्च है जल दिवस, कौन से जल दिवस कितना है? 22 मार्च वही दिया है। अच्छा ये बताइए आप लोगों का सेकंड एग्जाम आप लोग देंगे या अभी जा रहे हैं आप लोग? मतलब फर्स्ट सेकंड क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या क्लियर है ऑलरेडी? जी नहीं, ऑलरेडी पास कर चुके हैं यार, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, आपका फर्स्ट है, आप देंगे मतलब सेकंड एग्जाम। ओके, आप लोगों का क्लियर है। अच्छा जिन लोगों का नहीं है हो रहा है क्लियर, उन लोगों के लिए आप कुछ दीजिए सजेशन वगैरह जिनका क्लियर हो रहा है। सजेशन क्या मतलब, एनसीईआरटी पढ़े फर्स्ट बात, दूसरी बात अगर दूसरा बुक पढ़े तो टीएमएच का बुक आता है उसमें, इसलिए कि इस बार जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना तो उसमें हो रहा है, जो ईबीएस मतलब हर का पेडागोजी अलग अलग पूछ रहा है, जैसे मैथ्स के पहले ऐसे क्वेश्चन आते नहीं थे, तब वो जो उसमें से उसको बुक में जो है सो उस चीज़ मतलब कैलकुलेटिव चीज़ अलग दिया हुआ है, पेडागोजी अलग दिया हुआ है। आपकी दो लैंग्वेजेस क्या है? इंग्लिश हिंदी संस्कृत। आपकी? जी जी हिंदी। दो लैंग्वेज क्या है? हिंदी संस्कृत है। आपको क्या रहा है सर? एक्सक्यूज मी, क्या रहा है सर? बैग ले लूँ, पहले बैग ले लूँ। दो लैंग्वेज क्या रही है? फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड लैंग्वेज संस्कृत। संस्कृत कैसा आ रहा है आप लोगों के अकॉर्डिंग? ठीक आ रहा है, ठीक ही था क्वेश्चन, कुछ खास क्वेश्चन पूछिए तो सही, खास पूछे हैं। अच्छा इन सर के लिए कुछ खास पूछते हैं, ईवीएस का कुछ क्वेश्चन वगैरह याद है थोड़ा बहुत बताइए? क्वेश्चन तो डायरेक्ट मीडिया टॉपिक उचित नहीं है, लेकिन टॉपिक वाइज तो बताइए ना, टॉपिक जो है ना ईवीएस का जो क्वेश्चन है ना, अगर बच्चे अगर रट के गए होंगे, चाहे उसको अगर समझ में नहीं, समझ कर अगर ना
पॉइंट टू पॉइंट अगर पॉइंट ज्यादा नहीं आ रहा है, नहीं पढ़े होंगे तो ईवीएस क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, घुमाया हुआ क्वेश्चन था और उसको चलिए एक मिनट रुकिएगा, आप लोग कोई मत जाना प्लीज चारों लोग, ठीक है ना। देखिए जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लैंग्वेज अब इनसे पूछ लेंगे क्या लैंग्वेज है इन लोगों की, और इंग्लिश के लिए स्टूडेंट्स मिलेंगे तो जरूर बात करेंगे। और प्लीज मैं आप लोगों को बोलूं, किसी की इंग्लिश है आप में से किसी के पास? सब संस्कृत वाले हैं फिलहाल, अभी संस्कृत वाले हैं, इंग्लिश वाले मिलेंगे तो जरूर पूछेंगे उनसे। संस्कृत का पैसेज वगैरह कैसा आ रहा है? संस्कृत का अच्छा आ रहा था, क्वेश्चन आसान था उसका। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैथ जो है ना, मैथ का जो स्तर बहुत ज़्यादा डल स्तर था, बहुत नीचे बहुत डाउन था। आई थिंक 30 में 30 बच्चों का सही होगा मैथ का, ठीक है। अच्छा सीडीपी वगैरह से कोई क्वेश्चन थोड़ा बहुत याद है, टॉपिक वाइज थोड़ा याद आ रहा है किसी को क्वेश्चन बताइए थोड़ा बहुत? सीडीपी जो है जैसे मतलब कोहल वर्ग हो गया, जिन प्याज से क्या क्वेश्चन था कुछ थोड़ा बहुत बताइए, क्या क्वेश्चन था कोहल वर्ग से? कोहल वर्ग से क्या वाइगोत्स्की का था, सामाजिक, हां सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से रिलेटेड था, एनसीईआरटी बेस पे था, एनसीईआरटी बेस पे था क्वेश्चन थे उसमें। अच्छा ये इसमें कुछ जानवर बर्ड से रिलेटेड कुछ था, कुछ मैपिंग वगैरह रिलेटेड नहीं था, मैपिंग से भी क्वेश्चन नहीं था लगभग, एक लगभग नहीं था। अच्छा, डांस वगैरह किसी कहीं का डांस वगैरह कहीं पूछा गया? जलवायु समिति से कुछ क्वेश्चन थे, जैसे उस पर समिति से कोई क्वेश्चन था बताइए। जो ईवीएस था मेन कारण ये है कि जो ऑनलाइन पढ़ते हैं हम लोग, चाहे जो ऑफलाइन टीचिंग पढ़ाते हैं, तो पहले से जो आता आ रहा है वो क्या है कि इसमें ये लोग कहते थे कितना पढ़ लो पास कर जाओगे, उससे हट के आ रहा है क्वेश्चन। हम लोग की मानसिकता यही बनी हुई थी कि इतना है, दीवार के बारे में पढ़ लो, घर के बारे में पढ़ लो, नृत्य के बारे में पढ़ लो, भोजन के बारे में पढ़ लो, ठीक है, चिड़िया के बारे में पढ़ लो, जन जंतु के बारे में पढ़ लो, इतना से क्या होगा कि हमारा सीटेट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप पूरा एनसीईआरटी पढ़िए और उसके बाद से आप मॉक टेस्ट मारिए, आप एकदम सीटेट पास कर जाएंगे, ये हमारा गारंटी है। अगर प्रिपरेशन है तो हो सकता है, एक सीमा ना दिया जाए, एक सीमा ना दिया जाए कि यहाँ से हम इतना ही से सीटेट, ऐसा सीमा नहीं दिया जाए। और जितना आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं आपके लिए बेहतर होगा। बच्चे का होता क्या ना, एनसीईआरटी टीएमएच बस, बच्चे का होता क्या ना कि मन भ्रमित रहता है समझे। और कुछ टीचर जो होते हैं यूट्यूब पे क्लास लेते हैं, वो कहते हैं बस इतना क्वेश्चन पढ़ लो पास कर जाओगे, और उस आधार पर बच्चे पढ़ेंगे तो रियलिटी में फेल कर जाएंगे। नहीं, हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट समझ कर पढ़े तो एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। ओके, पेडागोजी के बारे में क्या बता रहे थे? पेडागोजी तो एकदम हलवा था, एकदम आसान था, अच्छा। पेडागोजी थोड़ा बहुत अगर लॉजिकल दो लैंग्वेज कह रही हैं सर? मेरा हिंदी था, दूसरा संस्कृत था। संस्कृत जी सर। हिंदी बेस पे जो लैंग्वेज क्वेश्चन आए वो कैसे आए? हिंदी जो था पैराग्राफ भी आसान था और पेडागोजी भी ठीक था। ग्रामर थी थोड़ी सी? ग्रामर एक थी, एक थी संधि से रिलेटेड और एक समाज से रिलेटेड क्वेश्चन था, अलंकार भी था, एक अलंकार था, थोड़ी बहुत व्याकरण आ रही है। हाँ, एक दो नंबर तो हमेशा आती है। संस्कृत की व्याकरण कैसी आई है? संस्कृत की व्याकरण ठीक है, उसमें थोड़ी सी पैराग्राफ थोड़ी सी बता सकते किस टॉपिक से कितने कितने आए? टॉपिक है जो ईवीएस में एक टॉपिक था, जितने ये लोग कहते थे यहाँ से पढ़ो, एक राजस्थान से आया था उसके घर के बारे में, दूसरा कोई नहीं आया था, और दूसरा और इसमें से क्या बोलते हैं सीडीपी से जो आया था, एक हॉवर्ड गनर से था जो थे गतिक जैसे एथलेटिक से संबंधित है उसका था, उसका जीन पियाजे का था, और एक बायगोत्स्की का था कि भाषा और चिंतन उसके बारे में था, और एक सीडीपी में लॉजिकल क्वेश्चन थे लेकिन एकदम आसान थे। कोई डरने की बात नहीं, आना एग्जाम देना है और अपने पे विश्वास रखना है। इसके लिए जो देख रहे हैं उसके लिए दो लाइन में बोलना चाहूँगा कि ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या खाक मजा है जिंदगी जीने में, कि ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या खाक मजा है जिंदगी जीने में, अरे बड़े बड़े से तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आग लगा है सीने में जब सीटेट पास करने का, तो मेहनत कीजिए, लगन कीजिए, ईमानदारी के साथ सीटेट जरूर पास होइएगा। ऑल द बेस्ट।